तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसे आप आइटरेट कर लीजिए। वन प्लस टेन एक्स इसे इक्वेशन वन मानेंगे, है ना। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो लगेगा दोस्तों यूज होगा, है ना, उसे आप जरूर लिख लेंगे। सिंस प्रॉपर्टी देखिए जीरो टू ए का फॉर्म में है तो वही यूज करें, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स रहता है तो इसको लिखने का तरीका है जीरो टू वही जीरो टू ए फंक्शन क्या करते ए माइनस एक्स लिखा करते, ये रूल होता है। चले दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करेंगे जीरो टू पाई फोर वही लिखेंगे लॉग वन प्लस टेन टेन देखिए एक्स है ना तो एक्स की जगह पर क्या लिखना है ये वाला वैल्यू पाई बाय फोर माइनस एक्स का फॉर्म में लिखना है इस तरह से। तो अब आपका हो जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर लॉग वन प्लस। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इधर कि टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स का जो वैल्यू है ना इसके बराबर आप लिख सकते हैं वन माइनस टेन एक्स अपन वन प्लस टेन एक्स, ये वैल्यू इतने बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों वन का वन प्लस का प्लस इसके वैल्यू के बराबर आप लिख सकते हैं वन माइनस टेन एक्स अपन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। जीरो टू पाई फोर लॉग इसकी आप एलसीएम लेंगे दोस्तों तो वन प्लस टेन एक्स आएगा क्रॉस गुणा करेंगे तो वन प्लस टेन एक्स प्लस वन से इसमें करें तो वन माइनस टेन एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों ये प्लस का टेन एक्स यहाँ माइनस टेन एक्स कट जा रहा जीरो टू पाई बाय फोर लॉग वन और वन क्या बचे दो बचे है ना टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको लॉग एम बाई एन अगर रहे बटे में रहे है ना तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग एम ऊपर वाला माइनस लॉग एन लिखते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई फोर लॉग टू है ना ऊपर वाला माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स ये अपने नीचे वाले पार्ट को डी एक्स। ठीक है देखिए दोस्तों सब आई आई बराबर आई बराबर आता ना तो आप इसे आई ही लिख के लिख दें इक्वेशन नंबर से टू यूज कर लेंगे मान लेंगे। ठीक है अब क्या करना है एडिंग करना है एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पहला और एक दूसरे इक्वेशन को ऐड कर लेंगे दोस्तों। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आई था बराबर आई बराबर ये है दूसरे में आई बराबर तो बराबर किधर वाले साइड को मैंने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टू आई और फिर वो क्या है जीरो टू पाई फोर उसको लिख देते हैं लॉग वन प्लस टेन एक्स प्लस फिर ये वाला पार्ट को जीरो टू पाई फोर लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स है ना इस तरह से। तो टू आई इज इक्वल टू आपके मिलेंगे देखिए दोस्तों जीरो टू पाई फोर यहाँ भी जीरो टू फाइव फोर है कॉमन ले लेंगे तो बचे हैं क्या लॉग वन प्लस टेन एक्स प्लस ये पार्ट लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स वाला। ठीक है अब थोड़ा ध्यान दीजिए लॉग वन प्लस टेन एक्स ये प्लस के पार्ट में है
ये भी log 1 प्लस 10x, ये माइनस के पार्ट ये कट जाएंगे. 2y इज इक्वल टू 0 टू पावर 4, क्या बचेंगे जी, log 2 विद डेरिवेटिव्स dx. देखिए दोस्तों, ये log 2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं. 2y इज इक्वल टू log 2 बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, 0 टू पावर 4 dx है ना. 2y इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x होता है, 0 टू पाई बाय 4. ये चलिए मैं दूसरी साइड में लिख देता हूँ. 2y इज इक्वल टू log 2, तो ठीक है, पहले अपर लिमिट यूज करिए, कैसे आप पुट करिए, पाई बाय 4 माइनस, अब 0 बैठाइए, 0, तो 2y इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाय 4 हो गया जी. तो y इज इक्वल टू, ये बटे 2 हो जाएंगे, यानी कि log 2 पाई बाय 8 हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे. आप अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों, पहले पाई बाय 8, उसके बाद log 2 लिख सकते हैं, y बराबर, ठीक है ना. तो दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ें.